तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं घर और आप पीछे आप सुन रहे होंगे गीत का आवाज़। हाँ जी, तो गीत शुरू हो चुका है। नैन्सी दीदी आ चुकी है, नैन्सी दीदी की मम्मी आ चुकी है, हमारी बुआ जी आ चुकी है। तो माहौल जो है एकदम कुछ ज़बरदस्त हो चुका है। तो जल्दी से जाते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं। देख हमर गोजा जोगना रे हमरा लेली। हाँ? पैसा छे बड़ कनिया मिल के अपन प्रसाद खाते ग्रहण कर लेते हैं। ये कौन सा रिवाज था मम्मी? ये खुशा दिया गया ना, आज पुआ से खुशा पड़ता है ना। अच्छा, तो कहता है जो बड़ा पुआ बड़ा पुआ जैसा बड़का गाल सारा चीज पूरा करो। पुआ जैसा बड़का गाल वाला पोता है। पुआ भी बच्चा पुए दे चलो। हां, अरे नाती बड़का गाल वाला छेबे करे पुआ वाला नाती। तो जी हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है। जिया चली गई है अपने काम पर और बाबू जो है वह चला गया है दादी के पास और हमारा काम भी जो है निपट गया है। तो थोड़ा सा जो है समय मिला है अपना हेयर केयर करने का। तो जी आज हम आपसे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करते हैं। आप में से बहुत लोग पूछते भी रहते हैं आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, कौन सा तेल यूज करते हैं, कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं। तो आपको जी बता देते हैं एक एक करके डिटेल। अपने हेयर केयर के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ जी वह है वो स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले जो मैं यूज करने जा रहा हूँ जी वह है वो स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। यह एक न्यूट्रिशन रिच ऑयल है जो आपके हेयर और स्कैल्प प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही यह है जी नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी फास्ट एब्जॉर्बिंग हेयर ऑयल जिससे आपका स्कैल्प इजिली सोक कर लेता है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है वो स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट की, इनका कोई भी प्रोडक्ट जो होता है इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं जैसे कि सल्फेट पराबिन और सिलिकॉन। शैम्पू करने से पहले आधे घंटे तक इस तेल को अपने बाल पर लगा करके अगर आप चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट मिले तो आप इसको ओवरनाइट रखें। बाद जो मैं अगला प्रोडक्ट यूज करने वाला हूं जी वह है वो स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। दिस शैम्पू इज फॉर्मुलेटेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट ब्लैक सीड ऑयल प्रोविटामिन B5। यह शैम्पू जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, साथ ही ब्लॉक्ड रूट को क्लरिफाई करने में मदद करता है। इट ऑल्सो स्मूथन हेयर क्यूटिकल्स दैट मेक हेयर ग्लॉसी एंड लस्ट्रस। इस शैम्पू के यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है काफी स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं। अगला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वो स्किन सेंस रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर। यह जो कंडीशनर है जी इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है और यह जो बना हुआ है नेचुरल इंग्रेडिएंट से जैसे कि व्हीट प्रोटीन रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड ब्लैक सीड ऑयल। यह जो शैम्पू है जी आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही आपके हेयर फॉल और ब्रेकेज को जो कम करने में मदद करता है और आपके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर और प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एड लस्टर एंड वॉल्यूम टू डल लिम्फ हेयर। तो जी हमने कर लिया अपना हेयर केयर और सबसे अच्छी बात क्या है जी यह जितने भी प्रोडक्ट है यह सभी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी तरह के हेयर टाइप के लिए सुटेबल है और ना ही किसी तरह का हार्मफुल केमिकल यूज होता है जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया। और इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। तो इन सभी का लिंक हमने डाल दिया है जी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप जो है परचेज कर सकते हैं। केमिकल के नहीं, आप नेचर की सुनो, बी वाओ नेचुरली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं घर और आप पीछे आप सुन रहे होंगे गीत का आवाज। हां जी, तो गीत शुरू हो चुका है। नैन्सी दीदी आ चुकी है, नैन्सी दीदी की मम्मी आ चुकी है, हमारी बुआ जी आ चुकी है। तो माहौल जो है एकदम कुछ जबरदस्त हो चुका है। तो जल्दी से जाते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं। पर जी हमारे फूफा जी भी आ चुके हैं। शिवम कहाँ है फूफा जी? अंदर जी, कोई बच्चा नहीं जानते हैं। कल यार कोई बच्चा नहीं जानते हैं। अब बच्चा कम फिर ही मिला गए देख रहा है ये सही का बाबू नींद आ रही है बाबू को। दादी का गीत सुन के नींद आ रही है बाबू।
बोलो बाबू हेलो सब नहीं बोलेगा हेलो नींद आ रही है बाबू को नींद आ रही है और देख सकते हैं यहाँ गिल्लू महाराज को अरे गिल्लू नहीं शिवम ठीक है हम तो बोलेंगे कितना प्यारा नाम बचपन में सब प्यारा लगता है बड़ा होने के बाद जाएंगे वर्कआउट जाएंगे चार पाँच महीना और क्या अभी बाबू के कारण कोई रूटीन बन ही नहीं पाता क्या करेंगे उससे पहले कौन था उससे पहले भी कुछ और कौन था इसको अगर थप्पड़ का एहसास कराना है तो उसको सिर्फ छू लो ऐसा करते अरे भाई साहब क्या कि दीदी है खाली ना क्या दल के तो ये काने लगा कैमरा देखे चुप हो जाता है ये कैमरा देख रहा है आ रहा है भाई वीडियो में आ रहा है पंडाली ने चढ़ाना मिल कुछ हुआ वह नाम तो नाम तो यार जो पुआ के थारी लेना चली भले आने जते तोरा नहीं देव एकहत्ता पुआ के नम्बर दे गोरियो पूजे छे पूजा होइ छे किया देबे जल छो न भोला बाबा अहिना सुकुमारी पावन
ये भी आ गया शैतान, कोई शैतान, ओए। अस्करे रही होता, बंदूआ तो चले ले। अस्करे रही होता, जागा। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8 और अभी चलना है मार्केट। मार्केट जाकर के जितने भी फल सब्जी और मिठाई वह सब कुछ जाकर के खरीदना है। और निकलना तो थोड़ा सवेरे ही था, लेकिन हो गई थी जी बारिश और बहुत ही जोरदार बारिश हो गई थी। इस वजह से जो है थोड़ा सा 2 घंटा काम डिले हो गया है और जो रसोई को आना था वह भी नहीं आया बारिश की वजह से। चलिए कोई बात नहीं जी, फिलहाल चलते हैं मार्केट। और यहाँ पर है 2 शिवम। अच्छा, 1 शिवम सोया हुआ था, उठ गया, चल रहे हैं मार्केट। हम पहुंच गए हैं मार्केट और फूफा जी आए हुए हैं साथ में। इनको जो है थोड़ा सा साग सब्जी सबका रेट का जो है थोड़ा अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ खुद भी फार्मर है, तो इनको साथ लेकर के आ गए हैं। मेरे साथ क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं तो हमेशा ठगे जाते हैं, जैसे कुछ भी रेट हुआ सब्जी का या कोई भी चीज़ का तो हरदम ज़्यादा दाम पे करके आ जाते हैं, इसलिए इनको लेते आए तो वैसा करते हैं, खरीदारी शुरू करते हैं। सारा बिक रहा है, सारा खीरा ही है यहाँ पर। हाँ, बैंगन है, बैंगन है। होलसेल में करते हैं कि रिटेल में? होलसेल वाला है आप लोग का, ये कोई चीज़ हम लोग रिटेलर हैं उधर ले रहे हैं। तो जी वो भी ले रहा था बीट। लगभग सारी सब्जी की खरीदारी हो चुकी है, फूफा जी हमारे आ रहे हैं, बस बचा हुआ है कुछ फल तो वो भी जा करके लेते हैं। फूफा जी आज तो रेट सब बढ़ा हुआ है, तो आज है जी तीज, तो तीज को लेकर जो रेट है बहुत एकदम अनाप शनाप बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं जी, जरूरत है, सामान तो लेना ही है। हमने ले लिया जी सारा फल और सब्जी और अब चल रहे हैं घर। एक टोटो कर लिया है, उस पर फूफा जी बैठ गए हैं और वो जा रहे हैं, उनको घर मालूम है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, बच गया है बस मिठाई का कुछ सामान, तो मिठाई को लेने के लिए अलग से हमें अब आना पड़ेगा। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं घर और सारा सामान तो पहुंचा दिया है, कुछ फल है मोटरसाइकिल की डिग्गी में, तो उसको निकालते हैं। बाबू ले लो, ये निकाल लेना, पूजा रूम में जाके रख दो, बोल तो पूजा रूम। फूफा जी गए जो थोड़ा सा बार्गेन हो गया, वरना हम तो नहीं लेता। जल्दी कहना कितना देते पैकिंग कर। यहाँ पर रसोई भाई साहब सब आ चुके हैं और यहाँ पर जो खाने की तैयारी,
अब बारी है जी पेट पूजा की, तो मेरा भी खाना यहाँ लग चुका है, सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, फूफा जी, मोनू और शिवम, और यहाँ पर बाबू का चल रहा है मालिश, जिया और इसकी बुआ मिल करके कर रही है मालिश इसका है, हाँ, मालिश चल रहा है, मालिश पेट पूजा तो हो गई जी, और अब बारी है बाबू को नहाने की, तो जल्दी से जाते हैं और बाबू को नहा देते हैं, वो जो है नहा करके जो तुरंत सो जाता है, तो जैसे ही सो जाएगा फिर थोड़ा सा समय मिलेगा और अपने काम पर लगेंगे। शिवम भी आ गया है बाहर से, हाँ हाँ पेट पूजा करो, किसका कारण है? तीन को सामान लिखा हुआ था कि तीन को सामान लाना है, लेकिन पूरा एक झोला मिल गया। बोलता है तीन को लिखा था, वो क्या पता, हम सोचे तीन को ले आएंगे, बाद में जो गए बाप क्या हाल हुआ। कोई ना, अभी बस बस जल्दी सब इस बदमाश को नहा देते हैं। नहाना है बाबू, हेलो बोल दो, हेलो बोले, मेरी तबीयत खराब हो गया, आप लोग प्रे करो मैं जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। बिल्कुल जी,